एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, ये है मॉर्निंग का, सुबह लगभग 8:30-9 का टाइम, जब मैं बना रही हूँ पनीर भुर्जी, मटर वाली पनीर भुर्जी जो बहुत ही टेस्टी बनी थी उस दिन। तो यहाँ पर मैं उसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने पहले चॉपर में प्याज और हरी मिर्च को चॉप कर लिया था, और तेल में जीरे का तड़का देने के बाद अब मैं डाल रही हूँ प्याज हरी मिर्च जो मैंने चॉप करी हुई थी। और इस तरीके से कभी आप लोग पनीर भुर्जी बना के देखिएगा। बहुत कोई ऐसा नहीं है कि इनोवेटिव तरीका है या कोई अलग तरीका है, पर उस दिन पनीर भुर्जी बहुत ही टेस्टी बनी थी, तो मैंने कहा कि चलो आप लोग को बता देती हूँ, आप लोग ये रेसिपी ट्राई कर सकते हो। और अभी मैंने टमाटर भी जो है काटे हैं चॉपर में चॉप करने के लिए। और जब टमाटर एकदम बारीक चॉप हो, प्याज चॉप हो, तो जो भुर्जी वाली चीज़ें होती हैं, जैसे हम एक भुर्जी बनाते हैं या फिर पनीर भुर्जी, तो टेस्ट एकदम औसम आता है। तो अभी यहाँ पर मैं टमाटर को भी जो है चॉप कर लूँगी, और इसे भी अच्छे से चॉपर में चला लिया था, तो एकदम मैशी मैशी से हो जाते हैं, जो कि भुर्जी में बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर अभी प्याज जो है हमारी हल्की सी फ्राई हो गई है, और इसके बाद से मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट अगर आपके पास नहीं है तो आप क्रश करके भी इसे जिंजर डाल सकते हैं। और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ही साथ मैंने यहाँ पर टमाटर ऐड कर दिया है। तो टमाटर पे आप देख रहे हैं कि कितने बढ़िया बारीक कटे हैं इस चॉपर में, और ये चॉपर बहुत ही यूज़फुल होता है जब भी कभी आप काफ़ी तेज़ी में होते हैं। तो इस तरीके से जो है आप फटाफट चॉप करके सब्जियां वगैरह बना सकते हैं। और टमाटर के साथ ही साथ यूजुअली, जैसा आपको पता है, आपने मेरी कुकिंग में नोट किया होगा कि मैं सॉल्ट ज़रूर ऐड करती हूँ। और आज मैंने नया क्या किया कि मैंने इसी टाइम पर मसाले ऐड कर दिए, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, जो बेसिक मसाले होते हैं। शायद इसी वजह से शायद इस भुर्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आया था, क्योंकि मैंने अलग अलग भून कर कुछ भी नहीं बनाया था। मेरे पास काम ज़्यादा था मॉर्निंग के टाइम पर, और एक्चुअली घर में कुछ गेस्ट आने वाले थे, और मैं फटाफट से किचन में सारे खाने जो है बना बना कर निपटा रही थी, क्योंकि आज मुझे एक रेसिपी वीडियो भी शूट करना था साथ ही साथ। तो मैंने कहा चलो फटाफट डाल देती हूँ और दूसरी तैयारियाँ करती रहूँगी। तो वहाँ पर मसाले भून रहे हैं, और इस साइड मैंने लिया है बेसन, बेसन में डाला है सॉल्ट, और सॉल्ट के साथ वही बेसिक मसाले कुछ जाएंगे, लाल मिर्च का पाउडर है, और थोड़ा सा धनिया का पाउडर डाला है। धनिया का पाउडर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा हल्दी डाला है, इससे क्या है जो पकौड़े मैं बना रही हूँ ज़्यादा हल्दी से उनका कलर येलोइश हो जाता है, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और अभी सौंफ डाली है, साथ ही धनिया के बीज डाल दिए हैं, थोड़ी सी हींग का पाउडर है। धनिया के बीज से इन पकौड़ों का स्वाद बहुत अच्छा आता है, तो सौंफ और धनिया को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अभी डाला है गरम मसाले का पाउडर, सारी सूखी चीज़ों को मिला लें। और ध्यान रखें कि इस टाइम पर हम कोई भी गीली चीज़ ऐड नहीं करेंगे, जैसे कि कोई पेस्ट या फिर प्याज, हरी मिर्च, कुछ भी। सब ड्राई चीज़ों को मिलाने के बाद सबसे पहला काम होता है कि आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए ये पकौड़े का बैटर रेडी करें। और ये पकौड़े मैं बना रही हूँ रायते के लिए, तो इसे आप पकौड़ों का दही बड़ा भी बोल सकते हैं, या फिर पकौड़ी रायता भी बोल सकते हैं। और अभी थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं ये बैटर बना रही हूँ। तो बैटर आप देख रहे हैं थोड़ा गाढ़ा है ये, और बेसन का बैटर बनाते समय हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि पानी हम थोड़ा थोड़ा डालें। एक साथ डाल देंगे तो बेसन में गुठलियाँ बनने का बहुत चांस होता है। और अभी आप देख रहे हैं एकदम स्मूथ बैटर बनकर तैयार हो चुका है। तो ये पकौड़ी का बैटर है, और इसे मैं 5 मिनट से 7 मिनट रखूंगी, थोड़ा सा बैटर फूल कर सेट हो जाएगा। उसके बाद से जो है हम पकौड़ियाँ तलेंगे, और पकौड़ी मैं तलूंगी छोटे छोटे साइज की। इधर हमारा मसाले का पेस्ट रेडी हो गया, उधर मैंने अपने बेसन का बैटर रेडी कर लिया, और अभी डाले हैं फ्रोजन वाले 1 कप मटर। और मटर को डालकर भी थोड़ा सा पकाऊंगी। फ्रोजन वाले मटर हैं तो फटाफट से गल जाते हैं, 1.5 से 2 मिनट भी इनको टाइम नहीं लगता, ये बहुत आसानी से गल जाते हैं। मैं थोड़ा सा कैमरा सेट कर रही थी, कभी कभी हिल जाता है। और ये है होममेड पनीर, घर का पनीर। जैसा कि आप सबको पता है, मैं घर में बहुत ज़्यादा पनीर निकालती हूँ, और हमेशा मैं विनेगर से निकालती हूँ पनीर, कभी कभी दही डालकर निकालती हूँ। नींबू तो मैं बहुत रेयरली यूज़ करती हूँ, क्योंकि नींबू का स्वाद मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और विनेगर से एकदम आसान होता है। तो यहाँ पर होममेड सॉफ्ट सॉफ्ट पनीर है, इनको मैं हाथों से क्रश कर रही हूँ। आप चाहें तो क्रशर से भी क्रश कर सकते हैं, यहाँ पर मैं हाथों का यूज़ कर रही हूँ। और अच्छे से बस इनको ऐसा फोड़ लें, और मटर जब तक गल गई है, पनीर इस साइड क्रश कर लिए, तो अब पनीर ऐड कर दिए हैं। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं ऐड करना। और अभी आप देख रहे हैं कि जितना पनीर लिया था उसका हाफ मटर लिया था। मटर के साथ बहुत अच्छे लगते हैं पनीर की भुर्जी। और अभी डाला है गरम मसाले का पाउडर, साथ ही थोड़ी सी कसूरी मेथी, तो बहुत अच्छा पनीर का भुर्जी जो है बना था। और अब अच्छे से मसाले में पनीर और मटर को मिक्स कर लें, तो एक तरह से इस भुर्जी को आप नाम दे सकते हैं मटर पनीर की भुर्जी। और सिंपली यूजुअली लोग पनीर की भुर्जी बनाते हैं, पर जब आप मटर डाल के बनाएंगे तो आपको खुद इसके टेस्ट का डिफरेंस पता चलेगा। और जैसे बताया है वैसे बिल्कुल बनाइए, बहुत अच्छा टेस्ट आया था। उस दिन ऐसे लग रहा था कि मतलब जैसे क्या खा रहे हैं, एकदम अलग सा स्वाद था। तो अभी बस इस मटर पनीर को हम क्या करेंगे, 2 मिनट सिम फ्लेम पर छोड़ेंगे। आप चाहे तो ढककर छोड़ दें, या फिर मैं इस तरह से खुला छोड़ रही हूँ, और ढककर जो है नहीं छोड़ना है। ढकने से क्या होता है, पनीर में एकदम सॉफ्टनेस आ जाती है, तो मैंने इसे खुला ही छोड़ा था, और दूसरे गैस पे शिफ्ट कर रही हूँ। और जो पकौड़ियों के लिए तेल है वो मैं इस साइड कर लूंगी, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ पकौड़ी तलने। हमारे बेसन का जो बैटर है वो सेट हो गया है, और अभी मैंने नहाया नहीं है,
तो आप लोग माइंड मत करिएगा, इसलिए मैं फेस नहीं दिखा रही हूँ। और अभी मैं अपनी चीज़ें बना बना कर तैयार करके रखती जा रही हूँ। यहाँ पर हमारी मटर पनीर की भुर्जी बनकर तैयार है, तो आप देख रहे हैं भुर्जी को इस साइड कर दिया। और इस साइड में तल रही हूँ छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ, काफ़ी छोटी छोटी सी, जो कि पानी में डालने के बाद थोड़ी सी और फूल जाएंगी। और इसमें सोडा वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होती, मैं जो पकौड़े बनाती हूँ वो बहुत अच्छे से फूल जाते हैं भगवान की दया से। जब भी पकौड़े बनाती हूँ तो कभी ये शिकायत नहीं होती कि पकौड़े गले नहीं हैं। तो चाहे वो पकोड़े कढ़ी में जाएं या फिर रायते में जाएं, किसी भी चीज़ में होते हैं, या फिर पकोड़े भी बनाती हूँ खाने के लिए सिंपली, तो बहुत अच्छे बनते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक साथ मैं खूब सारे पकोड़े तेल में तोड़ दूंगी, जितना भी हो जाएगा वो एक बार में तल कर निकाल लूंगी। तो बस फटाफट से ये काम कर लेते हैं। और इन पकौड़ों को मैं तलती हूँ तेज आँच पर, क्योंकि छोटे पकौड़े होते हैं तो अंदर तक ऐसा नहीं है कि सिकने की ज़रूरत हो। पकौड़ों को आप तेज आँच पर तलेंगे तो पकौड़े बहुत अच्छे रेड हो जाएंगे। ज़्यादा सिम फ्लेम पर तलते हैं तो पकोड़े हमारे तेल पी लेते हैं। और अभी मटर पनीर की भुर्जी को मैं रख रही हूँ माइक्रोवेव बॉल में, क्योंकि जैसे जब खाना खाना होगा, अगर गर्म करना होगा तो डायरेक्ट किसी बाउल से मैं माइक्रोवेव में गर्म कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने आज माइक्रोवेव बॉल निकाल ली थी और बस इस कढ़ाई को शिफ्ट कर दूंगी। ये कढ़ाई मेरे वीडियो की है। और हाँ, इस कढ़ाई को लेकर रेसिपी चैनल पर कई बार सवाल आ रहे हैं कि इस कढ़ाई की लिंक दीजिए, मेरे सब्सक्राइबर हेमा जी ने भी बोला था, पर ये कढ़ाई का कोई लिंक नहीं है। ये मैंने लोकल शॉप से परचेज करी थी, जिसमें मैंने पनीर भुर्जी बनाई है, तो ये लोकल शॉप पे परचेज करी थी। आप भी चाहें तो अपने किसी लोकल शॉप पे इस कढ़ाई का स्क्रीनशॉट लेकर और जाकर पता कर सकते हैं। और ये कढ़ाई सबको बहुत पसंद आती है, तो मैंने कहा अभी ये मुझे कढ़ाई के टाइम पे ध्यान आया तो मैं बोल देती हूँ। और ऑनलाइन इसकी शॉपिंग नहीं हुई थी तो इसलिए मैं लिंक नहीं दे पाती हूँ। और अभी यहाँ पर हमारे पकौड़े भी जो है अच्छे से सिक रहे हैं, तो आप देख रहे हैं पकौड़ियाँ भी थोड़ी थोड़ी फूल गई हैं। और बस इनको तेज आंच पर फ्राई करेंगे। पकौड़े तलने में जो है ऐसा कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस है, पकौड़े तल लिए हैं इस टाइम पर। और अभी मैंने केटल भी ऑन कर दिया था गर्म पानी का, तो गर्म पानी के केटल में से पानी लिया है और इसमें पकौड़े डुबा कर रख दूंगी। हालांकि मैं दही में डायरेक्ट डाल सकती थी, पर दही में डालने से क्या होता है डायरेक्ट में कि दही ज़्यादा सोख लेता है। अगर आपके पास दही कम है तो वो खाने के टाइम तक एकदम गाढ़ा हो जाएगा। और अभी वापस से दूसरे राउंड की पकौड़ी तल दी और इसके बाद से मैं फेंट रही हूँ दही, क्योंकि दही ठंडी थी। ठंडी दही ऐसे मौसम में किसी को देते नहीं है, तो मैंने कहा दही में जो है थोड़ा सा हल्का सा चीनी डालकर इसे फेंट देती हूँ। और जब भी मैं रायता बनाती हूँ तो मैं थोड़ा सा शुगर जरूर ऐड करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है किसी भी चीज़ का रायता हो। और अभी दही फेंटने के बाद इसमें जा रहा है पुदीने का पाउडर, साथ ही है जीरे का पाउडर यानी कि भूरे जीरे का पाउडर, और काला नमक है, थोड़ा सा सादा नमक ले लेते हैं, आप चाहें तो थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर, और यहाँ पर मैंने अभी काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर भी डालूंगी, उसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और बस इस दही में अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करके रख देंगे। जब खाना होगा तो पानी से निकाल कर पकौड़ियों को निचोड़ कर बस डाल देंगे, तो हमारा पकौड़ी रायता तैयार हो जाएगा। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोपहर के 11:30 हो रहे हैं और आधा खाना बना लिया है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने आज बनाया है पकौड़ी वाला रायता, यानी कि बेसन के पकौड़ियों का दही वड़ा एक तरह से, और मटर पनीर की भुर्जी। और अब बनाने जा रही हूँ मैं लौकी का कोफ्ता। और सेटिंग देख के आपको लग रहा होगा कि मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं शूट करने जा रही हूँ अपने रेसिपी वीडियो। नहा लिया और आज मैंने मिडी पहनी है, पर मिडी मैंने स्लैक्स के साथ पहनी है, लेगिंग्स पहने हैं नीचे, मैंने मिडी सिंपल नहीं पहनी। दुबई में मैंने सिंपल पहने थे, पर मैंने यहाँ पर लेगिंग्स डाल लिया, क्योंकि जैसा देश वैसा भेस, ये वाली हालत है। नहा लिया, बाल बाल झाड़ लिए, तैयार हो गई हूँ। थोड़े से बाल खुले छोड़ दिए हैं और थोड़ी गर्मी लगेगी, इंट्रो वीडियो शूट करके जाऊंगी तो बाल को बांध करके आ जाऊंगी। और यहाँ पर लौकी वगैरह कद्दूकस करके मैं गई थी, मसाले प्याज टमाटर जो भी सब्जी में लगना है वो सब तैयार करके गई थी। और ये जो लौकी के कोफ्ते की रेसिपी है, ये शाही रेसिपी है, जरूर आएगी मेरे चैनल पर, तो देखिएगा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेम्पटिंग रेसिपी है। मैंने हलवाई से सीखी थी बहुत टाइम पहले, लगभग 1.5 से 2 साल पहले, तो मैं घर में बनाती थी, पर मैंने कभी रेसिपी वीडियो शूट नहीं किया था और ना ही कभी ब्लॉग में शेयर किया था, क्योंकि ये रेसिपी बहुत अच्छी थी। मेरे दिमाग में था कि जब भी बनाऊंगी तो इसके कोफ्ते का रेसिपी वीडियो बनाऊंगी, तो वो मैं आज बनाने वाली हूँ, जब भी आएगी चैनल पर तो देख लीजिएगा। साथ ही एक और बात है कि आज जो है मैंने बुलाया है मावी भैया की जो बेटी है, जिसकी शादी हुई थी, तो वो वापस से मायके आई है, ससुराल गई थी सावन के बाद, और फिर वो मायके आई है कुछ दिन के लिए, तो मैंने उसे आज बुलाया खाने पर, क्योंकि मुझे करनी है उसकी विदाई। वैसे भी शादी से लड़कियाँ होती हैं और शादी के बाद आती हैं, तो एक बार उनकी विदाई तो बनती ही बनती है, तो इसलिए मैंने जो है उसे आज खाने पर बुलाया है। उसकी साड़ी कपड़ा विदाई वगैरह तैयार करके रख दिए हैं, पैसे वैसे लगा कर, कि जब वो आएगी तो उसे दे दूंगी। और विदाई यही होती है कि लड़की को खाना खिलाया, उसे कपड़े दिए, तो शादी से लड़कियों की विदाई हमारे यहाँ शायद इंडिया में हर घर में ऐसे ही होती है। मैंने भी यही सब कुछ प्लान किया है, तो खाने में मैं यही सब बना रही हूँ, पनीर की भुर्जी, पकौड़ी का रायता, लौकी के कोफ्ते, रोटी, सलाद, पापड़, यही सब। चावल नहीं खाते यहाँ पर, बहुत कम घरों में चावल खाते, मावी भैया के यहाँ तो बिल्कुल भी चावल नहीं खाते, तो पूछूंगी अगर वो लोग चावल खाएंगे तो चावल बना दूंगी, और भाभी और निर्मला हो सकता है,
आ जाएं थोड़ी देर में। तो मैंने कहा जब मैं लौकी के कोफ्ते बना ही रही हूँ तो क्यों ना उनका रेसिपी वीडियो शूट कर लूँ और मैं तैयार होकर आ गई। तो वही काम बाकी है, जैसे ही कोफ्ते बनेंगे उसके बाद से रोटियाँ बन जाएंगी। दीदी ने आटा गूंद कर रख दिया है, तो ये सारे काम हम दोनों ने अपने अपने हिस्से के करके रख दिए हैं। और अब मैं शुरू करने वाली थी वीडियो, मैंने कहा ब्लॉग में थोड़ी सी बातचीत कर लेती हूँ और जब तक बातचीत ना करूँ मज़ा नहीं आता। और इधर हमारे टीवी का डीटीएच कनेक्शन तो था, वो थोड़ा हैंग हो गया था, क्या हो गया था, तो उसका जो सेटअप बॉक्स था वो ये ले गए थे बनवाने। और जाने से पहले यहाँ पर किचन में सारी तैयारी करके गए थे, लाइट वाइट लग मतलब जला कर नहीं, लाइट का ये सेटअप लगा कर। और मैं भी नहा कर तैयारी हो रही थी, तो बस यहाँ पर ही आए हैं और अभी गए हैं एक्सटेंशन बोर्ड वाला तार लगाने के लिए लेने। मैंने कहा चलो मैं ब्लॉग में 2 मिनट बातें कर लेती हूँ और फिर अपना शुरू करते हैं रेसिपी वीडियो। तो चलिए लौकी को कोफ्ता बना लूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और शक्ल भी तो दिखानी है आप लोगों को लौकी के कोफ्ते की कैसे बने हैं। तो ये लीजिए, देख लीजिए हमारा पकौड़ी रायता तैयार है सर्व करने के लिए। मैंने इसे ठंडा सर्व नहीं किया था और इसमें हरी धनिया डाल देते हैं तो स्वाद एकदम दोगुना हो जाता है। बहुत ही शानदार पकौड़ी रायता बना था, सबने बहुत मन से और ज़्यादा ज़्यादा लेकर खाया था। और पनीर मटर पनीर की भुजी है, उसकी भी शक्ल देख लीजिए, उसमें भी मैं डाल रही हूँ हरी धनिया। और बस यहाँ पर जो है हमारा पूरा प्लेटर लगभग लगभग बनकर तैयार है। बस मेरे लौकी के कोफ्ते बाकी हैं जो कि अभी थोड़ी देर में जो है बना ही लूँगी। कंप्लीट कर लिया है मैंने अपना रेसिपी वीडियो, गर्मी बहुत हो रही थी बाल बांध लिए। और मैंने एक चीज़ और बनाई थी जो आप लोग को दिखाया नहीं था, चलिए दिखाती हूँ। इधर गैस पे रखी है, एक्चुअली जब तक वीडियो बना तब तक मैंने जो है इसको पका लिया। और ये मैंने बनाई है पनीर और मखाने की खीर और किशमिश वगैरह भी डाले हैं। एक्चुअली मैंने जब पिछली बार पनीर की खीर बनाई थी तो घर में सबको बहुत पसंद आई, तो इन्होंने बोला वापस से कि थोड़ा सा मखाने ऐड करके, पनीर एक्चुअली कम था तो मैंने मखाने ऐड कर दी और पनीर मखाने की खीर तैयार कर ली मीठे के नाम पर। तो ये एक डिज़र्ट हो गया और फाइनल लौकी के कोफ्तों को आपको एक दर्शन करा देती हूँ। बहुत अच्छे लगते हैं लौकी के कोफ्ते, बहुत अच्छा मतलब इनका लुक आया है, चलिए दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर जो है लौकी के कोफ्ते हमारे आपको कैसे लग रहे हैं, मैंने अभी ढक कर रखा है क्योंकि ये ग्रेवी थोड़ा सा सोखते हैं तो और अच्छे हो जाते हैं। तो मैंने एक बार छोड़ा है कि जब तक हम खाना सर्व करेंगे तब तक ये और बढ़िया से तैयार हो जाएंगे। ये आज का पूरा प्लेटर बनकर तैयार है, अब बनेंगी रोटियां, साथ ही पापड़ सेक लूंगी, तो बस आज का ये लंच तैयार हो जाएगा बिंदी। तो बिंदी कहाँ लगाई हुई भी, अरे वो कितना छोटा सा है यार, बड़ा बड़ा लेके आओ। हाँ ठीक है, सुंदर लगती है छोटे में, ज्यादा बड़ा नहीं बहुत सकता है, पता ही नहीं चल रहा है। मैंने बिंदी नहीं लगाई थी, मैं दीदी बोला एक बिंदी ले आता तो ये लेकर आई है। ऐसी जो दिखी नहीं रही है, कोई बात नहीं, माथा सोना नहीं होना चाहिए, तो लगा लिया है बिंदी। और अब हम लोग बनाएंगे रोटियां और भाभी निर्मला आ चुकी हैं पर वो लोग अभी शॉप पर हैं, तो मैंने इनको बोला कि आप बोल दो आने के लिए, खाना बना लगाते हैं। उनको पता था कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो वो लोग वहीं बैठी रह गई, यहाँ नहीं आई। तो अभी बुलाते हैं उन लोगों को और फिर चलिए ब्लॉग बनाती रहूँगी। और अब एक साइड जो है दीदी ने रोटियां बनानी शुरू कर दी हैं और हम लोग जब किचन में होते हैं तो चटरपटर नंद भाभी की बातचीत चलती रहती है। आप लोग सोचते होंगे कि कितना हम लोग बात करते हैं, तो किचन में हो और बातें ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ जो है बातें निकल ही आती हैं। तो यहाँ पर मैंने बोला दीदी से कि आप बेलती रहो, मैं सेती रहूँगी। और इस टाइम पर बस निर्मला और भाभी भी जो है आने ही वाले थे, मैंने इनको भेज दिया था कि आप शॉपर से बुला कर ले आओ, जब तक रोटी सेकेगी गर्मा गर्म खाना सर्व कर देंगे। तो बस यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें चल रही हैं और रोटी सेकते सेकते मैं इधर जो है प्लेटें वगैरह भी लगा रही थी। मैंने कहा भाभी आएंगी तो थोड़ा सा बैठने का टाइम होना चाहिए, और कोई भी गेस्ट आते हैं घर में तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किचन में ही लगे हुए हैं, कम से कम कोई आए तो हमारा जो है टाइम थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए कि उनके पास हम बैठ सकें। तो यहाँ पर मैं किसी बर्तन को लेकर दीदी से बात कर रही थी कि इसमें कि बाकी की प्लेट्स नहीं मिल रही हैं। अभी निर्मला आ गई है, भाभी आ गई है। निर्मला आज बहुत प्यारी लग रही थी, साड़ी पहन कर आई थी और बहुत ही प्यारे लुक में थी। मैंने कहा आज पहली बार निर्मला को देख कर फील आ रहा है कि हाँ निर्मला की शादी हो गई। तो यहाँ पर सबके खाना लगा दिया है और मेरे हस्बैंड नहीं खा रहे हैं आज, कुछ भी उल्टा पलटा नहीं है आज, ये नहीं खाना खा रहे हैं, भाभी के साथ भैया के साथ ही खाएंगे। तो यहाँ पर ये दिया को खाना खिला रहे थे, मैंने इनको बोला कि साथ देने के लिए आप दिया को लेकर बैठ जाओ खाना खिलाने के लिए, और भाभी और निर्मला खा लेंगी साथ ही, मेरे देवर भी खाना खा रहे थे। हाँ मोना देख के डांस करो,
अभी जो है भाभी और निर्मला खाना खा के जा चुकी हैं, वो लोग शॉप पे बैठी थी, भैया ने बोला कि इस टाइम पे मैं आके खाना खा लेता हूँ, तो थोड़ा सा लेट भी हो गया था। तो भैया आए हैं, मतलब महावीर भैया आके बैठे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मैं भी साथ में बैठी हूँ, और दीदी नहीं है, दीदी की थाली लगा दी है, दीदी गई है मोना को पीछे लेकर, मोना को टॉयलेट जाना था तो मोना को साथ लेकर गई थी टॉयलेट में, और आप देख रहे हैं पीछे से आ रही है मोना दौड़ती हुई, आई दीदी भी आ रही है, तो वो भी जो है हमें कंपनी दे देंगी, थालियाँ सबकी लगा दी थी। पर बच्चे होते हैं कि जब खाना खाने बैठो तभी जो है उनको बड़ों की याद आती है, तभी उनको ज़रूरत पड़ जाती है ये करना है वो करना है। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने सारा खाना वगैरह लगा कर और बैठ गए थे कि साथ में चलो खाना खा लेते हैं, आज सब कुछ सीधा सीधा है, कुछ भी उल्टा पलटा नहीं है खाना खाने के मामले में, सब साथ ही साथ खा रहे हैं, कोई किसी और के साथ नहीं खा रहा है। तो बस यहाँ पर खाना खा रहे हैं और खाना बहुत ही टेस्टी बना था, जिस जिसने खाया उसने बड़ी तारीफ करी, तो बड़ा मतलब मन को संतुष्टि भी होती कि चलो हम सुबह से लगे थे, सुबह से हमने मेहनत करी और खाना टेस्टी बना, इससे बड़ी बात और क्या होती है। खाने का जो एक एक डिश थी वो बहुत टेस्टी थी। और अभी यह है शाम को 5 बजे का टाइम, जब मैंने निर्मला को बोला था कि जाने से पहले मिल लेना, तो निर्मला और भाभी आकर हॉल में बैठे हैं और मैं बना रही हूँ कॉफ़ी सबके लिए। मैंने कहा चलो जाने से पहले सबको कॉफ़ी पिला देती हूँ, और बच्चे खेल रहे हैं, दीदी भी हॉल में है, उन लोगों से बातें बातें भी कर रही थी, मैं यहाँ पर किचन में कॉफ़ी बना रही थी सबके लिए, और मैं वही सिंपल वाली अपनी फेवरेट वाली कॉफ़ी बना रही थी कि अच्छे से दूध को गर्म किया, चीनी और कॉफ़ी पाउडर डाला और 2 बर्तन को लेकर अच्छे से फेंट लिया। इतने देर में क्या होता है, कॉफ़ी हमारी हल्की सी ठंडी हो जाती है, पीने के लायक हो जाती है, और बस सारे कपों में डाल दूंगी, सर्व कर दूंगी, कॉफ़ी के साथ नमकीन निकाल ली थी, तो बस हमारा शाम का जो इवनिंग स्नैक्स हो गया था। तो यहाँ पर बिस्तर पे बैठे बैठे हम सब बातें कर रहे हैं, चारों लेडीज़ अपनी गपशप गपशप कर रहे हैं, और इसके बाद से निर्मला जाएगी तो उसको बिताई कि उसकी साड़ी दे दूंगी, पैसे दे दूंगी। बच्चे भी हैं, दिया और मोना सब खेल रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, और बच्चों का ही बहुत मन लगता है आंटी के साथ दीदी के साथ, तो ऐसे हम लोग की बातचीत चल रही है लेडीज़ की। और बस चलिए और जो है इसके बाद से मैं अपनी ब्लॉग एंडिंग कर दूंगी, नेक्स्ट क्लिप के बाद मैंने एंडिंग वीडियो नहीं बनाया है उसके लिए सॉरी। तो नेक्स्ट क्लिप देखिए निर्मला की विदाई होते हुए, और आप सबसे मिलूंगी अपने नए ब्लॉग में नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। शादी तो लड़की आती है, विदाई नहीं होता है क्या? हमारे यहाँ तो चलता है शादी का लड़का और तक क्या। उस दिन तो अचानक में आई जब वो मार्केट से लौटी थी, उस दिन तो खैर कोई मरता ही नहीं था, तब तो आराम से बुलाएंगे खिलाएंगे, तब सब विदाई देंगे, बिना खिलाए मजा नहीं आता ना। हाँ आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। कितना वो खाती है जो उसके लिए अलग से फोन करने की जरूरत है, वो आएगी वो जो कड़ाही कांच देंगे तो भी खाना खा लेंगे, उसका पेट भर जाएगा।